नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को भारत में 18,30,000 रुपए से शुरू होने वाली एक शोरूम कीमतों के साथ लॉन्च किया गया है। कार के सबसे महंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत है 28,97,000 रुपए एक शोरूम। इनोवा हाईक्रॉस 2 लीटर स्ट्रॉन्ग और माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों के साथ आई है और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से महंगी है। हाईक्रॉस में दूसरी रो में झुकने वाली सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, ज्यादा बड़ी टच स्क्रीन और ADAS सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। हमने हाल ही में आपको बताया था कि महिंद्रा स्कॉर्पियो N के बेस वेरिएंट में नए सुरक्षा फीचर्स विकल्प के रूप में जोड़े गए हैं। इसके बाद ही अब कंपनी ने कार के 5 नए वेरिएंट्स भी पेश किए हैं। ये हैं Z2 पेट्रोल E, Z2 डीजल E, Z4 पेट्रोल E, Z4 डीजल E और Z4 डीजल E ऑल व्हील ड्राइव। ये मैनुअल गेयरबॉक्स से लेस एंट्री और मिड लेवल वेरिएंट हैं जो थोड़े सस्ते हैं। इन वेरिएंट्स की एक शोरूम कीमतें 12,49,000 और 16,94,000 रुपये के बीच हैं। किया इंडिया ने EV9 इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट SUV की झलक दिखाई है जो ऑटो एक्सपो 2023 में पेश की जाएगी। इलेक्ट्रिक SUV को कंपनी के सबसे महंगे मॉडल के रूप में दिखाया जाएगा और ये कंपनी के EGMP प्लेटफॉर्म पर बनी होगी। नई किया EV9 की 77.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आने की उम्मीद है जो छोटी EV6 पर पेश किए गए दोनों बैटरी पैक से भी बड़ा है। इस बैटरी को 10-80% तक फास्ट चार्ज करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। ऑटो जगत की सारी हलचल सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।